नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लहरा काका में ट्रिपल एस अमेजोन स्टोर में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। फगवाड़ा पुलिस ने असामाजिक गतिविधियां चलाने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़, 13 पुरुष और 13 महिलाओं को किया गिरफ्तार। जालंधर के न्यू रसीला नगर में बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर सब्जी कारोबारी के परिवार से की लूट। और अब हलचल विस्तार से। लहरा काका में ट्रिपल एस अमेजोन स्टोर में भीषण आग लग गई। ये आग गत साय 7:30 बजे के करीब लगी, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन लहरा काका में फायर ब्रिगेड ना होने के कारण करोड़ों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया, जिसके एक घंटे बाद सुनाम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही लहरा काका से विधायक वरिंदर कुमार गोयल भी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। की कहना चाहूंगे, जड़ा इतने नुकसान होया, कितना का नुकसान लगता है, फायर ब्रिगेड हम तक नहीं पहुंची? देखो, फायर ब्रिगेड तो 5-4 मिनट के बीच पहुंचने वाले ने जी, पर ये तो सारा सड़क के सुबह हो गया। जिन्ना शेड दी करीब 200 फुट लंबा शेड है, ये सारा शेड ही ऊपरले पास्यों सारा खत्म हो के, मतलब जो चदरा सी वो भी पीछे आ गया, ते सारा जिन्ना टोटल समान है सारा सड़के सुबह हो गया। कलिया साइड वाले कंधा दिख दिया ने, बाकी ये सारा कुछ खत्म हो गया। किन्ने का नुकसान लगता है जी? नुकसान तो ये बिल्डिंग ने 1 करोड़ रुपये तो घटता, बिल्डिंग ही नहीं बनती है जी। ते अपना मैनू लगता है भी ये घट तो घट भी 2-3 करोड़ रुपये दत्ता, घट तो घट के समान होएगा जी, वो भी सारा खत्म हो गया, तो सारी बिल्डिंग खत्म हो गई। पर कोशिश की जा रही है, पर अग इन्नी भयानक है, मैं समझता इस पर काबू पाना, कई फायर ब्रिगेड लगन गए तो इस पर अग पर काबू पाया जाऊगा, पर समान सारा सड़क के सुबह हो गया। बड़ी चाहते उम्मीद के नाल जो ये शोरूम बनाया गया थी, तो बड़ी सहूलत देन का, क्योंकि जो उद्घाटन होया उस दिन भी इतने आया थी जी, तो पर दुख है भी अज यदी बर्बादी से असं इतने आए हाँ। तो इन्हों का बहुत बड़ा प्लान सी, सारा एसी करन दा प्लान थी, बहुत बड़ी सहूलत लोगों को देन दा इत्थे प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ सी जी। अपना ट्रिपल एस के नाम पर सी अमेजोन का गोडाउन सीगा जी, तो तकरीबन साढ़े एल ई डी फ्रिज वगैरह कपड़े वगैरह सारा कुछ सीगा, तकरीबन 5-6 करोड़ का नुकसान है सर। हुण तक फायर ब्रिगेड पहुंचियां, किन्ना का नुकसान, जिहड़ा किवें कारण की लगता है, किस कारण करके जिहड़ा होया? देखो, वो दे बारे सानू अजे कुछ नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते, बट सानू तो जदों फोन आया कोई कि इत्थे अग लगी आ, असीं नाल दे पहुंच गए। फगवाड़ा में एसएसपी वत्सला गुप्ता के निर्देश पर असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत फगवाड़ा पुलिस ने ऐसी गतिविधियां चलाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ कर 13 पुरुषों और 13 स्थानीय व विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि सतनामपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पुलिस द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। उन्होंने कहा कि डीएसपी जसप्रीत सिंह की देखरेख में चलाए गए इस ऑपरेशन के तहत सतनामपुरा थाना में अनैतिक व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि 9 विदेशी महिलाओं सहित 13 भारतीय पुरुषों व 13 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 पासपोर्ट, 29 मोबाइल फोन और 45,000 रुपयों की नकदी भी बरामद की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि ये बात सामने आई है कि छात्रों की पीजी के लिए कई विदेशी नागरिक इस क्षेत्र में बस गए हैं, वे गैर सामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं और गैर सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित कमाई पर जीवन यापन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा
14 VF का आरोप लगाया गया है। वही उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के न्यू रसीला नगर में सुबह बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर सब्जी कारोबारी को लूट लिया। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाया और घर से 12 लाख रुपयों की नकदी और करीब 15 लाख रुपयों के गहने लूटकर फरार हो गए। वारदात न्यू रसीला नगर की गली नंबर 3 में हुई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि व्यापारी ने इतने पैसे घर पर क्यों रखे थे। तो वही सब्जी कारोबारी रंजीत ने पुलिस को बताया कि वह रोजाना की तरह अपने परिवार के साथ घर में मौजूद था कि सुबह नकाबपोश लुटेरे उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने आते ही पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया, जिसके बाद आरोपियों ने घर के अंदर से करीब 12 लाख रुपए कैश और 15 लाख के गहने लूट लिए। वारदात के लिए आरोपी घर के अंदर करीब 30 मिनट तक रहे। वही घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और मौके पर थाना 1 की पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। वो बाहर आए, ऊपर से टपके और अंदर घुस गए, दरवाजा खटखटाया। ऐसे मैं छोटी घर के मेंबर होंगे, दादा होंगे, मैं खोली बस फटाफट धक्का देके अंदर चले गए और गन पॉइंट पर रख दिया। उसने बोला सारा कैश दो, तेरा घर वाला बहुत कमाता है पैसे, तेरा भाई बहुत पैसे कमाता है। मैं बोली नहीं, फौजदारी करते है, तुरा झूठ बोल रही है तू। तो फिर मुझे कंबल में बैठा दिया, मेरे ससुर को भी बैठा दिया वहाँ पे और चाबी लेके बोला तो यही बैठ, मुझे सारा घर चाबी कहाँ है मैं बताई। उसको चाबी लिया और लेके सारा चला। कितने लोग थे गन पॉइंट पे, किसको लिया था? गन पॉइंट पहले मेरे को लिया था, फिर बच्चे कंबल में थे उसको देखा, बच्चे है ना, फिर बच्चे को ले लिया उसने। हाँ जी। घर से क्या क्या लेके गए? घर से 11 लाख कैश थी, 7-8 लाख का गहने थे, गले का सेट था, चूड़ी था, मांगा टीका था, चैन था, हस्बैंड का कड़ा था, रिंग था, मेरा रिंग था, झांझरे थे, यही सब था। और फिर उस कमरे में गए, उस कमरे में सारा एक बक्सा था, उसको तोड़ने की कोशिश की पहले, उसने नहीं टूटा, फिर वो फटाफट बक्सा ही लेके चले गए। वो गहने कहाँ पे पड़े हुए थे? मेरे अलमारी के लॉकर में पड़े हुए थे। हाँ, कितने लोग थे? आपने शोर मचाने की कोशिश नहीं की? शोर मचाया था मैं, फिर बोल तो नहीं, गन पॉइंट पर रख दिया था उसने। बोल रहा है की बच्चे प्यारे, तू प्यारी है, तू सामान सारा दे दे मुझे। फिर मैं बच्चे के डर के मारे सारा सामान दे दी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं करे। एक गन था उनके हाथ में, एक दातर था इतना बड़ा। हाँ जी, वो जो दातर लिया था वो खोल रहा था, जो गन लिया था वो सर पे रखा था उसने। हाँ जी। हाँ, जहाँ ये आप रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, कितने लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ पे मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं रहती हूँ और ससुर और देवर रहते हैं, दो बच्चे रहते हैं। हुआ इदा की जैसे हम लोग 5 बजे मंडी चले जाते हैं, पाँच बजे मैं मंडी चला गया। जाने के बाद मेरी घर वाली का फोन आया 6:15 में। मैं क्या क्या बात है कि फोन आ रहा है उनका, 6:15 में फोन आया। मैंने फोन उठाया तो घर वाली बोल रही है मेरे को कि घर पे ऐसे ऐसे कांड हो गए हैं। तो दो मुंडे आए थे मोटरसाइकिल से, उन्होंने कृपान लिख रखी हुई थी तो एक पिस्टल लिया हुआ था। तब तो मेरे छोटे लड़का है 7 साल का जतीन कुमार, उसके सर के ऊपर कृपान लगाए, रिवॉल्वर लगा दिया। डैडी के ऊपर मेरा कृपान लगा दिए, घर पे डैडी भी थे मेरे। उन्होंने घर वाली को डर के मारे उन्होंने चाबी दे दिया तो सारा बता दिया कि यहाँ पे ये चीज पड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया, खोल के सारे सामान ले गए। जाते समय उनको मेरे प्रा के रूम में घुसे, उसमें एक पेटी रखी हुई थी, उसमें भी 2-2.5 लाख का हिस्सा था, उसका सामान सुमान था, वो भी सारे ले गए। वो सब बात हमने उन्होंने पुलिस वाले को सब बता दिया है कि ये कांड हुआ है, मेरे प्रा के पेटी में इतने पैसे थे तो ये सामान थे। तो मेरे घर में 11 लाख की 12 लाख का हिस्सा थी, तो बाकी 7-8 लाख का सोना था, उन्होंने सारा सामान लूट के ले गए। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਦ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਕਸੂਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਟੈਸਟ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। अमृतसर में सुबह अलग अलग जगहों पर आग लगने के मामले सामने आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम अमृतसर के लॉरेंस रोड पर एक मिठाई की दुकान पर आग लगी।
हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। इस मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि इस आग जनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकान के अंदर पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ गेट खजाना चौधरी बाग वाली गली में एक कन्फेक्शनरी की दुकान में आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि पहले मोहल्ले वाले आग बुझाने के लिए लगे हुए थे, जिसके बाद सेवा समिति की बड़ी गाड़ियों की ओर से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने सेवा समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर आग बुझानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिस जगह आग लगी थी उसके आसपास की बिल्डिंगों में भी बहुत अधिक किताबें पड़ी थी, इसलिए उनकी प्राथमिकता थी कि किसी और दुकान को नुकसान ना पहुंचे, जिसके चलते बैक साइड, फ्रंट साइड और लेफ्ट राइट साइड को भी कवर किया जाए, जिसके चलते उनकी ओर से सेवा समिति के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि मोहल्ले के लोगों ने भी उनका काफी सहयोग किया, जिस कारण आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अगर मोहल्ला निवासी सहयोग ना देते तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर, लॉन्ग रोड नियर बंसल स्वीट के अंदर आग लगी जी। सानू चार बजे 5 मिनट से तला आई है। अभी मौके से अपनी सेवा साड़ी फायर ब्रिगेड की गड्डी लेके चले गए हैं। कुछ नाले नगर निगम की गड्डियां भी पहुंची मौके से। आग से कंट्रोल किया जा रहा जी। 90 पैसे कंट्रोल हो चुका जी। 10 पैसे कंट्रोल होने रह गया जी। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से शहीद हुए 24 सिख रेजिमेंट के सिपाही सुखप्रीत सिंह का उनके जद्दी गांव नंगल वांछावाला में सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के मौके पर पंजाब के NRI मामलों को प्रशासनिक सुधार विभाग के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल सहित अन्य नेताओं ने शहीद सुखप्रीत सिंह को श्रद्धासुमन भेंट किए, तो वहीं शहीद जवान को सरकारी सम्मान के साथ सलामी दी गई। इस मौके पर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार शहीद हुए नौजवान के परिवार के साथ खड़ी है और हर प्रकार से इस परिवार की मदद की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। फौजी जवान शहीद सुखप्रीत सिंह जी की अंतम संस्कार के मौके पर आए, बहुत ही दुख होया। और सुखप्रीत अपने मापिया का कला पुत सीगा। उहदे भी बड़ी कई बार आपां नूं देखण नूं मिलदा कि सुखप्रीत दे डैडी सरदार रणजीत सिंह वह भी फौज दे विच सीगे, उहदे नाल दे दादा जी भी फौज दे विच सी, तीजी पीढ़ी सीगी। बट जिदा उन्हों का देहांत होया, जिदा आपां नूं छोड़ा दे के गए, ये बहुत दुखदाई, मतलब आप सारिआं नूं मापिआं लई तां है ही है, कला पुत सी उन्हों का, पर सब लई अपने इलाके लई पंजाब लई वो देश दे लई शहीद होया। बार्डर दे उत्ते ड्यूटी दौरान हार्ट अटैक होया उन्हूं। सो मैं पंजाब सरकार वालों, सरदार भगवंत सिंह मान जी वालों अफसोस करन आया परिवार के नाल, और नाल इन्हां नूं विश्वास भी दवाउण आया कि जदों फौज अपना पेपर वर्क कर लूगी सारा, तो पंजाब सरकार जिहड़ी शहीदां दा जो मान सन्मान करती है, जो परिवार की मदद करती है, उसी मदद करांगे। मतलब 13 साल उन्होंने नौकरी की, बहुत ही होनहार, मेरा बहुत प्यार है उसके नाल। छोटा एक बच्चा 5 साल का, शहीद हो गया बार्डर से, शहीद हो गया। सानू उत्ते ना आ जाए छे, उन्हें कहना यो भी मैं चाचा डब्बे ती होना लड़ के शहीद होना, इस तो पहला होना ही चाइना बार्डर तो पोस्टिंग कट के एक साल हो अपने सांबे आया ही, सांबे ड्यूटी दा उन्होंने अटैक हो गया। ठंड के मौसम में अक्सर ये देखा जाता है कि हिमाचल से जंगली जानवर पंजाब में आ जाते हैं, जिसके कारण कई बार दिक्कत परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही जालंधर रोडवेज डिपो नंबर 2 में एक सांबर आ गया था, जिसने काफ़ी उत्पात मचाया, जिसके बाद आसपास लोगों ने रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया और बड़ी मशक्कत के बाद टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया। तो वहीं आसपास के लोगों द्वारा बनाई गई वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जंगलात विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है और उसका गला दरवाजे में भी अटक जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगलात विभाग की टीम ने उसे काबू कर लिया।
जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सुनाम सिविल अस्पताल के डॉक्टरों को अति आधुनिक नया ओपीडी ब्लॉक मिल गया है। समय के मुताबिक अति आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ओपीडी ब्लॉक में डॉक्टर और मरीजों के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। डॉक्टरों के कमरों में एयर कंडीशनर, पीने के लिए आरओ का पानी, मरीजों के लिए वेटिंग रूम और टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गई है। तो वहीं इस ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा किया गया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 80 लाख रुपयों की लागत से तैयार हुए इस ओपीडी ब्लॉक में डॉक्टर और मरीजों की हर सूरत का ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री ने ब्लड बैंक की नई बनने वाली इमारत का नींव पत्थर भी रखा। उन्होंने बताया कि 40 लाख रुपयों से ज़्यादा की लागत से तैयार होने वाली ये इमारत 4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगी। इससे इलाके के लोगों को खूनदान देने और एमरजेंसी हालातों में खून लेने की समस्या खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने आयोजित एक समागम में जनसभा को भी संबोधित किया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। नाम हॉस्पिटल दे विच जो एक लंबे समय तो मांग चली आ रही सी, कल्ले शहर की नहीं पूरे इलाके की बहुत वड्डी मांग सी, एक हॉस्पिटल का एरिया घट पैंदा सीगा, इंफ्रास्ट्रक्चर घट सीगा, उसके संबंध में 8 ओपीडी रूम्स ने जिहड़े एक नवा ब्लॉक है जिहड़ा वह बन के तैयार हो चुका है, वह समर्पित किया है, जिस दे विच वख वख जो जो स्ट्रीम्स ने वख वख डॉक्टर जिहड़े उन्होंने नाल नाल एक मैंने पिछले दिनों पता लगे कि होम्योपैथी डॉक्टर ने तो वह भी बेचारे कित शहर के बैठते हैं, उन्होंने दिक्कत आती जो उन्होंने पेशेंट ने उन्हों का भी रूम है जिहड़ा वो इतने हम शिफ्ट करता है ताकि सारा कंसोलीडेट रहे। इस तो अलावा 42,20,000 की लागत के नाल ये ब्लड बैंक है जिहड़ा ये अगले 4 महीनों के बन के कंप्लीट हो जाएगा, जिदे पूरा टोटली 100% अत आधुनिक होएगा। 42,20,000 की कीमत के नाल जो ओ पी डी ब्लॉक है ये तकरीबन 80 लाख के नाल बन के अच्छे समर्पित शहर में कर चुके हैं। और खास तौर पर ब्लड बैंक की आप जो गल करते हैं तो इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी साड़ी धी भैन दे बेबी होने वाला हो, बच्चा होने वाला हो, उदों कई बार सिजेरियन एमरजेंसी लोड़ पैंदी है, तो खून दान उत्तम दान आप हमेशा कहने हैं, पर जो जिस परिवार को लोड़ पैंदी है, जिस पेशेंट को लोड़ पैंदी है, उदों हत्थां पैरां दी पै जांदी है, तो नेड़े तो नेड़े संगरूर जाना पैंदा सी, उत्थे भी कई बार मिलता नहीं सीगा, खज्जल खुआरी नेरे सवेरे। सो इस चीज़ को इस मुश्किल को दूर करने के लिए अज ब्लड बैंक का नींव पत्थर रखा, अगले 4 महीने बन के वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जजी बिल्डिंग बनी है, इस डॉक्टर वास्ते वधिया कमरों में एसी लगे हुए हैं ताकि वो आराम नाल पेशेंट का चैकअप कर सकन। पेशेंट वास्ते टॉयलेट्स भी ने, उन्होंने वेटिंग बैठने वास्ते वेटिंग रूम भी ने, ठंडा पानी पीने वास्ते वाटर कूलर, आर ओ सिस्टम, जिहड़ी मॉडर्न तकनीक है कोई भी वो पूरा लैस बिल्डिंग ही बनी है। ये बिल्डिंग 80,08,000 रुपये की बिल्डिंग नाल तैयार हुई है। इस तो अलावा थोड़े पिछले पास एक ब्लड सेंटर की बिल्डिंग बन रही है, ये बिल्डिंग 42,19,000 रुपये की बिल्डिंग का अज नींह पत्थर रख रहे हैं। ये बिल्डिंग लगभग 4 महीने पूरी हो जाएगी। ये जिस तरह कोई पेशेंट एक्सीडेंटल पेशेंट हों ब्लड की लोड़ पैंती सी, संगरूर जाना पैंता, लुधियाने जाते या PGI जाते, वो हूँ जोड़ा लोगों दूर जाने की लड़ नहीं पेगी, पूरे ब्लड बैंक खुल रहा है। जे रब ना करे किसी मरीज़ को खून की लड़ है या किसी ने डोनेट करना है, वो ये डोनेट भी कर सकता है, तो ये उन्होंने आराम करने वास्ते, रिफ्रैशमेंट वास्ते हर तरह की सुविधा उरे मिलेगी। अमृतसर के बटाला रोड पर संधु कॉलोनी के कुंडिया वाले खूह के नज़दीक अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक घर में ईंट पत्थर व बोतलें बरसाकर गोलियां चलाई गईं। इस हमले के कारण घर के सदस्यों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस को दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि 1 वर्ष पहले भी उनके लड़के से फिरौती मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा 1 वर्ष पहले भी पुलिस के पास इस संबंधी मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके चलते पुरानी रंजिश को रखते हुए उन लोगों द्वारा उनके घर पर गोलियां चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 20 से 25 नौजवानों द्वारा ये हमला किया गया है, जिसके गवाह मोहल्ला निवासी हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि अज्ञात नौजवानों द्वारा एक घर पर गोलियां चलाई गई हैं। वे मौके पर पहुंचे हैं, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट।
ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਘਰ 25-30 ਜਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਰਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੋੜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਦੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਵਾ ਜੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਗਲੀ ਚ ਗਾਲਾ ਗੁਲਾ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਮੇ ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲੀ ਜਬ ਵਾਲਮੀਕਿ ਚੌਂਕ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਚੋਰੋਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक तरसेम सिंह ने बताया कि सुबह जब आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था जिससे उनके होश उड़ गए उन्होंने बताया कि जब गत रात्रि के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो देखा कि हरियाणा नंबर की वैन पर आए लगभग 4 चोरों ने रेकी करने के बाद रात्रि 2 बजे के करीब दुकान के शटर को वैन के साथ बांध कर खींच कर तोड़ दिया और फिर दोबारा सुबह लगभग 7:10 पर आकर चोरों ने निडर होकर दुकान में से कीमती मोबाइल लैपटॉप आदि सामान चोरी कर फरार हो गए इस मौके पर लोगों ने बताया कि ये चोर अपने नशे की पूर्ति के लिए चोरियां करते हैं दुकान मालिक के मुताबिक उनका लगभग 1.5 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात को PCR की गश्त जारी करने के निर्देश दिया जाए ताकि कोई और इन चोरों का शिकार ना बन सके तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लेकर चोरों को जल्द काबू करने की बात कही जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट बंदे थे 4 जने एक ड्राइवर थे 3 जने उधर थे ते 7 बजे चोरी हुई फिर दिन दहाड़े कहते रात 2 बजे भी आए CCTV कैमरे आए रात 2 बजे आए पहला सवेरे 7 बजे आए फिर लागे साढ़े गुआढ़ी थे उन्हें दबका दुबका मारिया उन्हें भज गया बस नुकसान भाजी लैपटॉप से एक तो रिपेयरिंग वास्ते फोन बनया थे कस्टमर से बस यही लगे बाकी एक लिफाफा भरा है फोन का वो छड़ गया इतने ਪੁਲਿਸ ਆਂ ਜੀ ਆਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਮੰਦਿਰ ਲੱਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਠਾਵਾ ਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋਂ ਮਗਰੇ ਰਸਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਠਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵੈਲ ਲੈ ਕੇ अमृतसर के थाना सदर के अधीन आती संधू कॉलोनी में एक नौजवान गोली लगने के कारण घायल हो गया जिसे उपचार हेतु सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इस संबंधी जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि ये हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है उन्होंने बताया कि कुछ नौजवान एक दुकान पर खाने पीने के लिए खड़े थे कि इस दौरान एक व्यक्ति ने आकर फायर कर दिया जिस कारण गोली लगने से नौजवान घायल हो गया जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि नौजवान के चूल्हे में गोली लगने के कारण वह गंभीर घायल हो गया है जो कि अब खतरे से बाहर है उसका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है मामले की जांच की जा रही है जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट सर मैं ना घरों निकलता पिया सी अचानक ही देखा कि मुंडे दे गोली लगी दी सी मैं रहना संधू कॉलोनी बैकसाइड तो देखा बच्चा डिग्गा पिया है बच्चा मुड़ के फिर उठ के डिग पिया तो पिछे गोली वजी दी सी लक दे सदर थाना सर ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਦੇ ਆ
जो भी इन्हां दे कानूनी कार्रवाई की जाए। कुछ नहीं सर, ये बच्चे कहते खाण पीन गए ही कुछ, तो बस खाण पीन गए हैं तो आए है। एक सरदार जी है, उन्होंने 5-6 फायर कट के गोलियां सीधी चलानी चालू करती हैं। हाँ जी, वह इन्हें कहते बच्चे तो दबे घर के लागे ही जिन्होंने गोलियां मारिया। हाँ जी, पैदल से, पैदल से घर के लागे ही अपने। वो पुलिस ने 100 नंबर से फोन किया सर। हाँ जी सर, अपने डॉक्टर साहब कहते रैफर करना या कि देखते पे डॉक्टर साहब अपने चूल्हे लगी सर। हाँ जी, अपने सिविल अस्पताल प्रशासन में यही चाहते हैं कि अपने जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाए इन्हों दोषियों से, तो जल्द तो जल्द फड़े जाए। हाँ जी, एक गुरकीरत मुंडा आया जी अपने मजीठा रोड कह दे, इतने कोई झगड़ा होया इन्हें, कोई गन सूट चूल्हे लगी गोली इन्हों, बाकी ट्रीटमेंट करता इन्हों ठीक है जी। हाँ बचा जी, बिल्कुल बचा है, कोई गल नहीं गई। हाँ हाँ, इलाज चल रहा, नाल ही करती फैटरी देती डॉक्टर साहब ने, नाल ही सर्जन साहब आ गया जी, इतने इलाज होने कोई गल नहीं सर। बसंत पंचमी का त्यौहार देश भर में मनाया जाता है, लेकिन फिरोजपुर की बसंत पंचमी दुनिया भर में मशहूर है। जहां लोग दूर दूर से फिरोजपुर में बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी के मुकाबले देखने के लिए आते हैं, जिसके चलते इस बार बसंत पंचमी के त्यौहार के मद्देनज़र पंजाब सरकार की तरफ से फिरोजपुर में पतंगबाजी के बड़े स्तर पर मुकाबले करवाए जा रहे हैं। तो वही प्रशासन की तरफ से लाखों के इनाम रखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पतंग उड़ाने वाले पतंगबाज को 2 लाख रुपयों का इनाम दिया जाएगा। पतंग पेच लड़ाने वाले विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस संबंधी फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये मेला 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक SPS कॉलेज फिरोजपुर के ग्राउंड में लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे कि NRI ग्रुप, हैंडीकैप ग्रुप, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 18 वर्ष से ऊपर के लिए सभी वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी और 11 फरवरी को फाइनल मुकाबले करवाए जाएंगे, जिसके बाद विजेताओं को इनाम वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीस से आए हुए NRI ने भी इस मेले में पतंग उड़ाकर भाग लिया है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। जरा फिरोजपुर की बसंत पंचमी पूरी दुनिया के मशहूर है, जिसन वेखते हुए पंजाब सरकार वालों राज पदरी पतंग मुकाबला जरा फिरोजपुर कराया जा रहा है। यदि असी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करवाई सी, साढ़े को तकरीबन 3000 तकरीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो अज असी देख रहे हो मुकाबले शुरू करवाते हैं, तो डेली मुकाबले होया करेंगे। साढ़े मेल फीमेल बच्चों के हैंडीकैप कैटेगरी रखी हैगी है, तो मुकाबले जोड़े फाइनल हो 10 तरीक किए जाएंगे पेचे मुकाबले के। तो सब तो बड़ा पतंग का दूजा मुकाबला है, वो असी 11 को करवावे। इनाम वंड समारोह 11 किया जाऊगा इस थान से। यदा जोड़ा साडा मेन मंतव हैगा, वो कला पतंग उड़ाना नहीं हैगा, इनू असी थीम दिती हैगी है कि असी प्रदूषण हटाओ तो वातावरण बचाओ, पराली नू अग ना लाओ। इदा ही असी जिहड़ी लेडी है या गर्ल चाइल्ड है उहदे एम्पावरमेंट दी, सशक्तिकरण की गल भी करांगे। Hello, my name is Konstantin Ratsos. I'm coming from Greece. I'm invited here by Punjab government and I'm very, very happy to be here actually, because we are celebrating the Basant. We are celebrating Basant here, and I came to fly stunt kites. These are dual line controllable stunt kites, and I do freestyle tricks in the air, and I'm very excited because many people are coming and we're gonna have a great, great festival here. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करतारपुर की तरफ से श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन बड़ी ही श्रद्धापूर्वक गोशाला मंदिर में स्थित भगत सावन मल हाल में किया जा रहा है। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने विशेष तौर पर पहुंचकर कथा में अपनी हाजिरी लगवाई। श्री विज का पहुंचने पर सेवा केंद्र प्रभारी राज योगिनी बीके सीमा दीदी एवं पदाधिकारियों ने स्वागत किया व उनको सम्मानित भी किया। अपने प्रवचनों में राज योगिनी ब्रह्म कुमारी भारती दीदी ने श्रीमद् भागवत गीता की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने का संदेश
देती है। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है जिसका अनुसरण करते हुए भगवान को अपना साथी बनाना चाहिए। इस अवसर पर बीके सीमा दीदी, बीके निशा दीदी, बीके रजनी दीदी, बीके भारती दीदी, बीके अनीता दीदी, बीके ज्योति दीदी, बीके मंजू दीदी, बीके नीता दीदी, बीके संदीप, बीके संजीव, आजाद वीर, पार्षद ज्योति अरोड़ा, कांता रानी वर्मा, पूनम गुप्ता, नीलम रानी, रमेश रानी, मीना सक्सेना, उर्मिला छाबड़ा, किरण गौतम, अयोध्या नाथ रिखी, पवन गुप्ता, संजीव कुमार, जगदीप कुमार, मनजीत सिंह, ओम प्रकाश, एडवोकेट हरशरणजीत सिंह, मनीष शर्मा, राकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। करतारपुर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान अलग है, देवता अलग है, पिता अलग है और दूत अलग है। तो अर्जुन ने भगवान को कहा कि आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कौन कर पाए। भगवान ने कहा जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा शुभ और पवित्र होगी वही भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाए। हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि यदि हम शरीर के भान में अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, आत्मबोध नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो यदि हम मंदिर में भी जाएंगे तो हम भगवान की मूर्ति को ही देख चला जाएंगे। परंतु जब हम अंदर जगत की ओर चले जाते हैं तो हमें उस निराकार परमात्मा का दर्शन होना शुरू हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे कि वास्तविकता में हमारी कौन सी गति होगी, हम कहाँ हैं। तो बताया कि देवताओं को याद करने वाले देवताओं को प्राप्त करेंगे, पितरों को याद करने वाले पितरों की प्राप्ति करेंगे। तो देवताओं को याद कौन करेगा, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होंगे ये देवताओं की पूजा करेंगे। तो हम लोग सात्विक तो हैं, देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो सात्विक है। राक्षसी भी है क्योंकि पितर पक्ष में पितरों की भी पूजा करते हैं, तो वो पानी पिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना ये भी करते हैं। परंतु क्या तामसिक भी है कोई, क्योंकि जो तामसिक प्रवृत्ति के होते ये क्या करते, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और इनकी पूजा करने का समय भी बहुत अलग होता है। ये रात को 12 बजे के बाद और तामसिक पदार्थ की इनकी पूजा की सामग्री। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तारा मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में भजन गायकों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक चांद एंड पार्टी रामा मंडी चालंधर कैंट वालों ने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजस्थान से घनश्याम गुप्ता और नितिन ने विशेष तौर पर शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सैगल, कपिल सैगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। तो सभी ने बड़े प्यार से तालियां बजाकर मेरा साथ देना है। वो क्या कहना है, मेरी झोपड़ी के भागिया जाग जाएंगे।
प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या की शुरुआत गायकों द्वारा गणेश वंदना के साथ की गई, जिसके बाद भजन गायक मनीष राजा एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, अवतार गब्बी, चंद्रमोहन ढींगरा, दिनेश कुमार, विजय कौड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव सानी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहन लाल सारथी, राजेंद्र कपूर सहित माँ भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। लहरा काका में ट्रिपल एस अमेजोन स्टोर में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। फगवाड़ा पुलिस ने असामाजिक गतिविधियां चलाने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़, 13 पुरुष और 13 महिलाओं को किया गिरफ्तार। जालंधर के न्यू रसीला नगर में बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर सब्जी कारोबारी के परिवार से की लूट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।